के बारे में सिर्फ सुने रहे, पहली बार उसका देख भी लिए। उसकी कोनो खबर पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। हम इतिहास के पन्नों में भी उसका नाम नहीं देखना चाहते। हमारा हुक्म है, सेना के वहां भेजो। इस देश के सबसे बड़े क्रिमिनल के मारे खातिर हम डेथ वारंट जारी करते हैं। कितना बकवास है, कौन इतना घटिया कैसे लिख सकत है? वो भी इतना पुराना पत्रकार ऐसा लिखेगा, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये किताब बाजार में आए वाली रही, पर सरकारी किताब को बैन करके आग में झोंक दी। पुलिस वालन को बहला फुसला करके हम ये किताब यहाँ तक ला पाए हैं। और पता है, ये आखिरी कॉपी है। दीपा, आनंद को बुला लियो। सर, हम जानते हैं वो एक घात पत्रकार है, पर ये किताब में हमको रत्ती भर भी सच्चाई नजर नहीं आ रही है। हमको दिल्ली जाना है इंटरव्यू के लिए, और हमें लेट होना पसंद नहीं। अगर सरकार ये किताब बैन करके जब्त करे में इतना दिलचस्पी दिखाई रही है, तो इमा कौनो राज जरूर होगा। हम ये चैनल के मालिक जरूर हैं, पर इसकी पहचान सिर्फ तुम ही हो। इस बारे में तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए। वैसे तकरीबन 50 साल से हम आनंद को जानते हैं। वो कुछ भी लिखे से पहले 100 बार सोचत है। ये किताब में कुछ तो सच्चाई है। हम आधा घंटा दे सकते हैं बस, उसके बाद ये काम के लिए किसी और को खोज लीजिएगा। परेशान सर, इस इंटरव्यू को आर्काइव रूम में सेट करो। ठीक है, सबका बाहर भेज दो। चला चला बाहर निकला, चला 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 जल्दी करा। ये के बारे में कौनों को पता न चले के जाए। ओके सर। हेलो, हम सब पत्रकार हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ कर उसकी तह तक पहुंचाना हम लोगों के खून में है, और आपने तो इस किताब में बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। ये तो सवालन का पहाड़ खड़ा कर देगा, और ये खेल में कई बड़े लोग चपेटे में आएंगे। हे देवी माँ, अब जानती है ये लोग हमारा मजाक काहे उड़ाते हैं, काहे कि हमारा दिमाग कम है। अगली बार आप हमको इस दुनिया में भेज दिएगा ना, तो एक तो नहीं दो ठो दिमाग डाल के भेजिएगा। सरकार में सब ठीक है ना? मारेंगे लपड़। हे देवी माँ, कुछ ऐसा करो कि हमारी डूबती नैया में छैया छैया हो जाए। औरत को का बाजार में ऐसे कपड़े पहनना चाहिए? रहिए शर्मा जी, औरत आपके पैर। हे देवी माँ, ये चंडी से हमारा सामना कभी मत करवाना। तो कैसा लगेगा? दीपा मैडम काफी मांग रही है, ये चंपा का अंदर भेज। आपका कहना है कि ये किताब सच्ची घटना पर आधारित है, कोई सबूत है आपके पास? लोग इसे काहे पढ़ेंगे, इसमें भरोसा करने लायक कौनो बात है? ओ, किताब हमको दीजिए। इलो, हम इसको काट दिए। अब तो पढ़ेंगे ना। एल्डोराडो का क्या मतलब होता है? मतलब सोने का शहर जो खो गया। हजारों सालों से ई सोचकर कि कहीं सोने का साम्राज्य होगा, न जाने कितने राजाओं ने उनकी तलाश में अपनी जान गंवा दी, पर कौनों को कुछ नहीं मिला। अगर किसी को शहर मिल जाता तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा होता। सही कह रहे हैं ना? हो सकत है। ये किताब एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं, इसको साबित करने के लिए एक पुख्ता सबूत भी है। जमीन में दफन हुई एक शक्तिशिला। शक्तिशिला? वो कोई इधर उधर पड़ा हुआ मामूली पत्थर नहीं है। लोग वो पत्थर के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। वो पत्थर में कुछ तो बात रही होगी। वो शक्तिशिला चाहे पाताल में गड़ी हो, हम उसका ढूंढ निकालेंगे। हम देखना चाहते हैं उस शक्तिशिला को। अगर वो सच है तो खुदाई करने वाले मजदूरों को बुलाओ, चाहे जितना पैसा लगे उसका खोद के निकालो। यस मैम। बताइए कहाँ भेजना है लोगों को? कहाँ है आपका शक्तिशिला? कहाँ है आपका एल्डोराडो? KGF शहर से 18 मील की दूरी पर बागनूर है। वहाँ से टमटम में बैठ के बाइंदूर जाए पड़ी। बाइंदूर उतर के बैलगाड़ी में बैठ के पूरब की ओर 4 मील जाए पड़ी, और वहाँ 40 फीट गड्ढा खोदे के बाद वो शक्तिशिला पत्थर मिली। ये लिखा है सर। देखो, ज्यादा मत सोचो, एक टीम के लेके वो पत्थर के खोज निकाल। सर काय मजाक कर रहे हो, 3 दिन बाद हमारी शादी है।
वो बुड्ढे के बाद झूठ भी तो हो सकती है ना। अंदर जॉन बैठा है वो आनंद इंगल की है, वो कभी झूठ लिख ही नहीं सकता। सर सर, सन 50 से सन 80 तक के लगभग सारे अखबार यहाँ मौजूद हैं। हमने और अखबार मंगवाए हैं, लेकिन ई में कोलार गोल्ड के बारे में एक भी आर्टिकल नहीं है। चलो अखबार को छोड़ देते हैं और आप किताब को भी हटा देते हैं। आप ही बताइए क्या हुआ, आपके मुंह से ही सुनना है, कौन था वो आदमी? वो हीरो रहे या फिर विलन? आखिर वहां हुआ क्या था? केजीएफ में मिले सोने का कीमत बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो को बाहर निकालने वाले हाथों का भी अपने के इतिहास है। दुनिया में कहीं भी सोना मिलता है तो अनजाने में मिलता है। सन 1951 में केजीएफ शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर जब किसान हुआ कुआं खोद रहे थे तो उनको अजीब सा पत्थर मिला। और उनकी छानबीन के खातिर बहुत से सरकारी अफसर आए और उन लोगों के साथ सूर्यवर्धन भी रहे। खातिर उके पास एक ही जायदाद थी, उके आखरी शब्द। दुनिया में सब कहते हैं कि पैसा के बिना जी नहीं सकते, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि बिना पैसा के चैन से मर भी नहीं सकते। हमसे एक ठो वादा कर, तू कैसन जिएगा ये हम नहीं जानते, लेकिन जब तू का मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। तोरी कसम, हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनेंगे मां। की माँ ने उनको मंजिल दिखाई थी, मगर रास्ता उनको खुद तलाशना था। पैसा निकाल, निकाल, पैसा निकाल। नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। ये ले, हमारे पास है। ये बहुत कम पैसा है, और चाहिए हमको। अच्छा, और चाहिए? अगर भी मांगोगे तो किलर मिली, और पैसा चाहिए तो ही गरीब पड़ी। पावर, पावर
और सही तुम्हारे पास पैसा आएगा। पावर कहाँ मिलेगा? पावरफुल लोग पावरफुल जगह से ही आते हैं। यही सपने के साथ उसने संघर्षों के शहर बंबई में कदम रखा। चलो ये हमारी जगह है। बंबई सोने की कालाबाजारी का सबसे अहम जगह थी। ई ठिकाने पे अपना कब्जा जमाए खातिर दुबई के इनायत खलील और बंबई का सेट्टी गैंग के बीच में हमेशा तनातनी रहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच में एक तीसरे ने कदम रखा, जिसकी चप्पल का साइज तो छोटा रहा पर रास्ता बहुत लंबा। चल तेरा नाम बोल। राजा कृष्णप्पा बेरिया। बंबई में बड़ा नाम रखे से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, बड़ा बने के लिए काम बड़ा करना पड़ता है। चल पालिश 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 पालिश। शट्टे सब लोग का सलाम टोकते हैं। ही है बंबई का बादशाह। वो पुलिस वाला बहुत उंगली आ रहा है, वो कब फटका देना पड़ेगा। अबे खनखना गए हो, इंस्पेक्टरवा को कौन मारेगा? तू मारेगा। कलेजा में दम चाहिए या ये बुचकुंडा लोग मारेगा? कह रहे इन इंस्पेक्टर को मारेगा दम है। देखे मर्द मिल गया रे ससुरा। असलम भाई मजाक करत रहे, चल यहाँ से चल। और पुलिस स्टेशन में ले जाकर कुटाई अलग से करवाएंगे। अरे साहब का घोड़ा ये तोड़िए पकड़ लो। ये काहे रुक गया, चल भागते हैं यहाँ से। ओका हमरा नाम ही नहीं पता का जाइए, अपना नाम बता क्या थे? कौन है वो लड़का? पकड़ के लाऊ का जी साहब। ए चला लड़का नहीं, हमारा नाम रॉकी है, याद रही ना? छोकरा है साहब, हम उसे मजाक किए रहे लेकिन उस ससुराल सच में मारते। फिक्र काय कर रहा है, हम उस छोकरे का पुलिस से छुड़वा दिए हैं। ए कहां गया था रे तू? हम नाम कमाने गए थे। वो पुलिस वाले को काहे मारा? पब्लिक को मारते तो पुलिस ढूंढती, पुलिस वाले को ही मारे तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा। का चाहिए तो का दुनिया सन 1978 में ईरान और अफगानिस्तान की वजह से अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में बहुत बड़ी दरार आ गई रही और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़त रहा। पेट्रोल डीजल स्टील और कॉटन के दाम के साथ साथ सोने का भाव भी आसमान छूत रहा। लेकिन तब तक सूर्यवर्धन दूसरों की पहुंच से बहुत ऊपर पहुंच गया रहा। अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के खातिर उसने 5 साझेदार चुने जो उसके किले के 5 खम्भों की तरह थे। भार्गव के जाए के बाद उसका बेटा कमल KGF से निकला कच्चा माल पिघलाकर द्वारका में सोना निकालत रहा। वहां से निकले सोने को अलग अलग जगह पहुंचाए की जिम्मेदारी राजेंद्र देसाई की रही। पश्चिमी तट पे एंड्रयू का दबदबा रहा। गुरु पांड्यन के सियासी ताकत का इस्तेमाल करके सूर्यवर्धन राजनीति में उतर गया और पूरी सरकार को अपनी मुट्ठी में कर लिया। सूर्यवर्धन को सबसे ज्यादा भरोसा अपने भाई अधीरा पे रहा। इन सब की मेहनत से बने उस किले में ओकरा बेटा गरुड़ा भी शामिल हो गया। इन दोनों की वजह से KGF इतना सुरक्षित रहा कि कोई भी उसकी तरफ आंख भी नहीं उठा सकत रहा। लेकिन एक दिन सूर्यवर्धन को दिल का दौरा पड़ गया। ऐसे नाजुक मौके पर KGF के साझेदारों की नियत डावाडोल होए लगी। पहली बार KGF में बगावत के काले बादल छाए लगे। सोने का भाव बढ़ाए के चक्कर में बैठे इनायत खलील के पास बंबई में घुसे का यही एक सही समय रहा। सिट्टी के दुश्मन दिलावर ने इनायत खलील से हाथ मिला लिया। बंबई के नागपाड़ा पोर्ट पर पहली बार उकरा सोना उतरे वाला रहा।
लेकिन उसके पहले ही दिलावर बंबई को अपने कब्जे में लेके खातिर निकल पड़ा। दिलावर का ऑर्डर है कि सेट्टी गैंग को फिनिश करना। हमने छोकरों को अंदर करा दिया, जानता है किससे पंगा ले रहा है वो। आजादी के बाद पहली बार मुंबई हाई अलर्ट पे रहा। दिलावर मुंबई बोर्ड को अपने कब्जे में ले वाला रहा कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उकरे सामने आ थमकी। अगर रॉकी आ गवा तो सलीम भाई, जब रॉकी मिल जाए तभी तुम मान लेके आना, अभी आने का कोई जरूरत नहीं है। वो मिला क्या? अभी तक ना ही मिला। बताओ रॉकी कहाँ है? लेकिन उसके सारे भंडार अंदर है। का फायदा, पहले उसका पकड़ा जाओ। सब जगह छान मारो, हमको रॉकी चाहिए। कहाँ है बे? रॉकी मिल गवा भाई, रॉकी पकड़ा गवा। वो मिल गवा, चला मिल गवा। हमारे पिताजी हमेशा कहते हैं कि बिटवा, तूफान से कभी मत टकराना। ए भूतेश्वर, बाबूजी को बता दो कि तुम्हार बिटवा ने तूफान को ही टांग दिया है। कावे असलम, ऐसी रोनी सूरत काहे बना रखी है? कोनो मर गया है का? ए छोटू, पुलाव लेकर आ। ऐसे का देख रहा है मियां? अरे जा लेकर आ। उस ससुरा राव की पकड़ा गया है। रॉकी पकड़ा गया, माल लेके आ जावा। चला बंबई। जैसे ही इनायत खलील की बोट बंदरगाह पर पहुंचेगी, बंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी। आज हमारा जन्मदिन है और हमका तोहफा में मोगरा दिल और साथ में दोनों आंख भी चाहिए। और तुम लोग उनको कहां चाहिए बे? छोटो, पुलाव कैंसिल, बिरयानी लेकर आ। उसके साथ कचुबर भी लेकर आना। ठीक है सर। फोन की भूख आकर सब इधर एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। 15 साल से जौन काम तुम नहीं कर पाए, तुहार बेटा वो एक दिन में कर दिया। लेकिन ये गीदड़ नहीं जानते कि खून उनका ही शिकार करे वाले शेर का। लटका रखे हैं उसको। अरे रॉकी नहीं, हमारा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा उनके सामने ही है। हैप्पी बर्थडे एनिमी दिलावर, हैप्पी बर्थडे। अरे सुनामी को लटकाते नहीं बचुआ। बटे संग बंद कर, जमार को। सुनामी से भागते मेरी है भोले वाले सब ससुर के नाती आज एक ही जगह फंस गए हैं। वो उन सबको बंबई की गलियों में दौड़ा दौड़ा के कुकुर की मौत मारेगा। हमरा इतना खून देख के हमारी माँ का कंटर आउट हो जाता रे। आए रहे तो सीधा भट्टी माँ झोंक दिए गए। गली गली भटके, भूख लगी तो रोटी ना मिला और फुटपाथ पर सोना चाहा तो चमाट मिला। ससुरी बंबई को ई नहीं पता था कि जौन भट्टी में गिरा वो लकड़ी ना ही लोहा रहा और बंबईयों का मार मार के पीट पीट के खंजर बनावत रही और खंजर सिर्फ काटत है। बंबई का तेरा बाप है बे? ना ही रे, तेरे बाप का और तुहार बाप हम है। Thank you.
जाएंगे ना कि नासिक ढोल भी फेल हो जाएगा। सामने ही खोली जात रही, वो की क्वालिटी चेक करे के बाद उन्हें अलग अलग जगह स्मगल कर देता रहा। रॉकी एक तरह से बंबई का डॉन बन गया रहा। अब अखा बंबई हमरे कंट्रोल में है, ये है हमारा पावर। तो हार नहीं रॉकी का, तू तुम्हारा शूटर इतना कुछ कर रहा है तुम्हारी खातिर या बंबई पे कब्जा जमाई की खातिर? रॉकी के कारण ही हम और फेमस हुए हैं। वो हम लोगों के साथ है इसीलिए लोग हमसे डरते हैं। रॉकी का नाम सिर्फ मुंबई में ही नहीं पूरा देश में बच्चा बच्चा के जबान पर है। रॉकी भाई कहा रॉकी भाई आज कितने लोगों को मारा? बचवा कल सुबह के अखबार में पढ़ लेना, जा पढ़ाई कर। सेट्टी भाई हर कोई तुमका सलाम ठोकता है, सिर्फ इस रॉकी को छोड़ के। तू यहाँ खड़ा है तो शेट्टी भाई की बदौलत। अगर ज्यादा उड़े की कोशिश की ना तो शेट्टी भाई तुहार पर काट देंगे। रेशम तैयार होने तक रेशम के कीड़े का जिंदगी होता है, उसके बाद उसका गर्म पानी में डालते हैं। ये पठान जी भैया, हमारे लिफाफे पे अगर पिन कोड ना भी हो तो भी पोस्ट हमारे पास आ जाता है। पता है क्यों? हमारा नाम ही इतना फेमस है। ठीक बोले भैया, सब लोग आपके जैसे थोड़ी होते हैं। कुछ लोग 10 लोगों को मार के खुद का डांस समझते हैं। सर
बेंगलोर में हमरे लिए काम करना है, अगर कर दिया तो पूरा बंबई तेरा। एड्रेस की वजह से ना ही आता है। लैंडमार्क की वजह से आवत है, और ये लैंडमार्क को पिन कोड तो का एड्रेस का जरूरत भी ना ही। सोने के गुल्लक को चिल्लर बटोरे खातिर नहीं रखा जाता। जी भैया, सिर्फ 10-12 गुंडों को ठोक के हम डॉन नहीं बने हैं। हमने जिन जिन को ठोका वो सब ससुरे डॉन ही थे। हाँ, ओके भैया। सेट्टी को पहली बार कोनों के सामने झुकते देखा है। लगता है एंड्रू बंबई का माई बाप है। उस सेट्टी चुप नहीं बैठेगा, जरूर पंगा करेगा। तो क्या हम लोग उका छोड़ देंगे? ए, तू चुप कर रहे। शेट्टी का फिकर करने की जरूरत नहीं है, सब छोकरे तेरे साथ हैं। तोरा सपना था ना बंबई पे राज करने का, अब वक्त आ गया है कि तू बंबई पे राज करे। ये समुंदर कितना गहरा है। कहा गहराई जाने बिना राज नहीं ना किया जा सकता। चलो उतर कर माप ही लेते हैं। अपने आगे की मंजिल तक पहुंचने के लिए उसको एक नई सीढ़ी मिल गई। ड्राइवर, गाड़ी ठेका की तरफ ले। आज इलेक्शन है सर, ठेका बंद है। ऐसा काहे भाग रहे हो? क्या हुआ? वो राजेंद्र देसाई की बेटिया है ना, उका कोई दारू नहीं दिया तो रोड पे बैठ के पार्टी कर रही है। जो भी वहाँ जा रहा है उका मार रही है। तुम भी वहाँ मत जाना। सर, सर बचा लो उका, बचा लो, बचा लो उका, सर, सर बचा लो, सर बचा लो। जो आ रहा है वो शार्प शूटर है कि नहीं देखेंगे। उका बारे में अब तक हमका कुछ नहीं पता। तो फिर उसे कहीं अच्छा खमारने के लिए बुलाए हो? हर तमंचा रखने वाला सांप सूटर तो नहीं ना होता। साहब वापस आ जाओ, वो के बचाने खातिर ना जाओ, वो तो बहुत ही गुंडा लोग है। किसी को मारने के लिए जिगरे की जरूरत होती है। उनका अंदर रहम जज्बात नाम की कोई चीज ही नहीं। एक बार वो मन मठान ले तो उनका मरना कन्फर्म है। वो कहते है ना कोल्ड ब्लडेड किलर। पता है ना ये काम बहुत रिस्की है। काम नहीं हुआ तो ज्यादा रिस्क है।
का बच्चा तो दारू का पान कर रहा है, उसकी बोतलें फोड़ रहा है। ये आप दारू के लिए तड़प रहे हैं, दो का पानी की तरह बहा रहा है। तेरा आईडी के दिन दारू का कब वैल्यू होता है जानता है? अरे तो कब भजिए बना के कैसे 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 हम चकना बनाते देखना, ससुर के जो आती। बैंगलोर में तेरा आज पहला दिन है। हमरे पापा को जानता नहीं है तू। उका पता लगा तो तोरे पूरे शरीर को कट्टा से छलनी करके गंगा जी में बहा देंगे। अगर हमका तुम्हारे प्यार में मौत आ गई ना, तो यही हमारा पुतला बनवा देना। और कहीं ऐसा हुआ कि तुम हमारे प्यार में पड़ गई तो जज को बुलाकर यही बीच सड़क तुमसे ब्याह करेंगे। तो का अपने कलेजे में भर कर ऐसे सड़प होगी, सड़प 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 सड़प। तेरा बाप का नाम है राजेंद्र देसाई, उसका पैसा के बल पर तुम फुदक रही हो, लेकिन हम तुमका सोना में तोलेंगे, तुम्हारी औकात बढ़ा देंगे। आज से हम तुम्हारे एडवांस पति, ओके? ए, इका बाप हमार ससुरा, हम तो हार जीजा, तो हार बहन का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो बहुत मारे हैं। बहुत ही गलत घर में हाथ डाल दिया है, चुपचाप बैंगलोर से वापस घर चले जाओ। रॉकी तू है का? कमल क्या हुआ बे? कहता है उस ससुर गायब हो गया, तो ये चंपक का भी गायब कर देते हैं। लगता है वो इस शहर में नया है, अकेले ही हमारे लड़कों की ठुकाई कर गया। और रीना को देखने की गुस्ताखी की, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाईवे, वो का हर जगह ढूंढो, कौनों कीमत पर, वो बचना नहीं चाहिए। रीना को यही छेड़े हुई। हमका पता है ई का दोबारा यहाँ मत लाना, वैसे भी कमल का सितारा आजकल गर्दिश में, कहीं ई वो कमल का मसल न दे। तुझे पता है तूने किन लोगों से पंगा लिया है? और वो छोकरिया कौन है? कौन है? राजेंद्र देसाई की बिटिया रीना। कसम से क्या सुंदर नाम है, रॉकी के साथ में रीना, राजेंद्र देसाई को आई पसीना। तो क्या किस काम के लिए बुलाया गया जानता है? हमका कुछ नया करने के लिए ही बुलाया होगा। लगता है बंगलोर में कोनो मर्द नहीं बचा, विकेट किसका गिराना है? पागल हाथी का, तू का मारने का प्लान दया समझा देगा। थोड़े दिनों के बाद यहाँ एक फंक्शन होने वाला है, तो उस फंक्शन के शुरू होने से पहले रास्ते में उसका ठोके का पड़ी। जिस जगह वो फंक्शन हो रहा है वहां घुसने का दो ही रास्ता है। हमारे हिसाब से तो वो ससुरा मेन रोड से अंदर आई, खुला रोड है, ना लोगन का डर, ना ट्रैफिक में फंसने का चक्कर। कौनो शॉर्टकट? अरे नहीं नहीं, वो छोटा रास्ता है, अगल बगल बिल्डिंग है, बस स्टॉप है, मार्केट है, बहुत कचर पट्टी है वहाँ। हमारे हिसाब से वो रास्ते से वो कभी ना आई। ये फंक्शन वह है कहाँ? DYSS के पार्टी ऑफिस में। दुनिया भर के मंत्री, नेता, फलाना धमाका सब वहाँ रहेंगे, और उस फंक्शन में मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस। एक तो चाउमिन लेके आ। इतनी सारी सिक्योरिटी के बीच उसको मारना कोई हलवा खाने का काम नहीं है। जो आ रहा है उसका फोटो है? अरे फोटो का कोनो जरूरत नहीं, उसके आने से पूरे शहर में करता उड़ जाता है। रीना, हम उसका ढूंढ के तोरे कदमों में डाल देंगे। उसने पीछ बजरिया हमारी बेइज्जती की, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो चिल्लू भर पानी में डूब मरो। किधर गायब हो गया? वो नहीं मिला। चला दिखा। कहाँ है? जा बिटिया। वो हम लोगों को बहुत हल्के में ले रहा है। यहाँ कहाँ चल रहा है, कौन आने वाला है, उसका कुछ पता नहीं। यहाँ कौन आने वाला है,
ई बात अगर हम पहले बता देते तो ई काम करे खातिर यहाँ कौनो नहीं आता। उका डिस्टर्ब मत करो, बस कमल से दूर रखो, समझे? उसकी शक्ल से मिलते जुलते बहुत से लड़के रुके हैं होटल में, लेकिन उसने हमारे सारे लड़कों की कुटाई करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। ससुर ऐसा कोनो बचा ही नहीं है जो की पहचान कर सके। हम एक का जानते हैं। होटल का तलाशी होने तक कौन बाहर नहीं निकलेगा। ऊपर देखो, चार तरफ देखो, कौन है भाई? हट, आगे चलो, आगे देखो। नो, इधर मिल जाओ, काट लो मैडम, काट लो ससुर जी। You came for to see me? तोरे कजरारे नैनो की कसम, you trust me, हम तोहरी याद में अब हिच इसी बाथरूम में बैठकर कहा रहे थे? हम तोहरी जान ले लेंगे। अरे पहले हमरी जान बनो फिर जान लेना। हम तुमको स्पेसशिप में बैठाकर मंगलयान घुमाना चाहते हैं। अरे बॉटल से बहुत जाम पी, अब तोरी आँख से पी। तुमसे मिलने के बाद शरीर में खलबली मच गई है, अरे दिल जख्मी हो गया है। जानू हम तुरंतो एक्सप्रेस और तू हमार पटरी। एक बार ट्रेन पटरी पर आ जाए तो चुक 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 चलता ही। खोल सारी टू इंटरप्ट, दरवाजा खोल। तोरी भैंस की, जब तोरे जीजा तोरे दीदी के साथ लाइन पर बिजी है तो बार बार मिस कॉल काहे दे रहे हो बे? ड्राइवर का भी धुलाई कर दिए का? अरे तनिक भी डरो नहीं रसमलाई, हम है ना, हमको ड्राइविंग आती है। वो कहा है ना रीना कि पहले हम मौत से नहीं डरते थे, लेकिन जब से तुमसे मिले है ना हमको डर लगने लगा है, अपना खातिर ना तो हार खातिर। वो कहा है ना हमारी दुरंतों का जो डब्बा है ना वो एकदम खाली है, सोच रहे हैं उसमें तुमको बैठा ले। एक बात हम तुम्हें पहले बता दें कि शादी हम नागालैंड में करेंगे और चिपलून में करेंगे हम हनीमून, उसके बाद दो दर्जन बच्चे। अरे जानू का बाबा, हमसे ऐसा बात करने की हिम्मत कैसे भाई? क्या लगता है चार गुंडा लोग को मार के तू हमारे दिल में बैठ जाएगा? कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, तू अपनी औकात जानता है? ड्राइवर तक की औकात नहीं है तोरी। हमारी बात सुनकर सन्नाटा का छा गया। अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रेड का कीमत क्या है। जो उन लोग अनाज की इज्जत नहीं करते उन लोगों के बीच रहकर तुम इस मिट्टी में लगे ब्रेड के खातिर इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी हम समझ सकते हैं। मतलब के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, अपना हक संग दिल जमाने से खुद ही छीनना पड़ता है। ये सब लोग लुल्ल है, इन सब के बारे में ना ही सोचो। भगवान के बाद इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली माँ होती है।
काय झालं रे रसमलाई? हमका घर ले चलो। ठीक बा। सेकंड भी करेगा और सलाम भी ठोकेगा। पुलिस ने जेका डंडा मार के मुजरिम बनाया, पब्लिक ने उसको ताली बजा बजा के बादशाह बना डाला। अब तो लोग रॉकी का गुलाम नहीं कुछ और कहते हैं के दिमाग में एक उलझन पैदा हो गई रही। दरअसल जॉन ड्रग्स बंबई पोर्ट पे होए के चाहत रहे, वो पुलिस निगरानी में बंगलोर में का करत रहे। ही रात से उकरा दिमाग झनझना गवा रहा और वो की छानबीन में लग गवा। सोने का एक भी बक्सा रॉकी की नजर से बच के नहीं जा सकत रहा।
आज तक रॉकी इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया रहा कि उस सोने पे मोहर किसका है। लेकिन जब वो बंगलोर में उन्हीं बक्सों को देखा तो उसको विश्वास हो गया कि सोना अफ्रीका से तो नहीं आवत रहा। अब ओकरे दिमाग में एक ही सवाल उठत रहा कि सोना कहां से आवत है और ओकरे पीछे कौन सा त्रिलोक है। ब्रेकिंग न्यूज, गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में DYSS पार्टी ने 5वीं बार जीत हासिल किया है और जीत का श्रेय पार्टी के कर्ता धर्ता श्री गुरु पांडियन जी को जाता है। पार्टी उनकी आभारी है। इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, अब का सिर्फ CM के नाम की घोषणा करे खातिर का वो खुले में आएगा, हमका तो डाउट है। शेर को अपना मांस से निकालने के लिए इमोशनली खेलना पड़ेगा। कैसे? उसके बाप का एक ठो पुतला बनो। बाप का पुतला? और ऐसा हवा फैलाओ कि पार्टी ऑफिस का बाहर उसका फीता काटा जाएगा। वो जरूर आएगा क्योंकि हम उसका अड्डा में उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अगर वो अड्डा से बाहर आया भी तो उसके टटपुंजी उसको घेरे रहेंगे। अगर जॉन भैया ना हो तो यह सब तहस नहस हो जाएगी। बोलिए वानरम सर। जॉन, छोटे सरकार का बेंगलोर जाना तय हो गया है, तुम कभी उनके साथ ही जाना है। अगर हम चूके तो हम सब के अंदर बारूद भर के आग ही लगा देगा। बम्बई वाला कहाँ है? Where is मिल्की? मिल्की? अरे मिल्किया, इससे पिट कर आ गए तुम लोग। देखने में तो धोनी जैसा लगा था। वैसे किसी भी शहर में जाने से पहले वहाँ का मौसम जानना जरूरी होता है, लेकिन बेंगलोर आने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम कितने बैठ हैं। बहुत खेल लिए चोली चोली, अब खाओ हमारी गोली। बुलेट वेस्ट नहीं करो, यूके लायक नहीं है। जानते हो हम इतना छोकरा लोग क्यों बुलाए? तो कम मारे खातिर नहीं, तोहरी औकात दिखाए खातिर। हमसे प्यार करने के लिए स्टेटस चाहिए और तुम तो सड़क छाप हो। फिर भी हम तो का एक और मौका देते हैं, अपनी डेयरिंग दिखाए खातिर। अगर तूने इन लोगों के सामने हमका छू लिया तो हम तेरे। गुंडा बना तेरा, हवा निकल गई, चल निकल। कहाँ हुआ बे टिटुए, किधर जा रहा है? जा रहे एक कन खजुए का बाबा, पैंट गीली हो गई का तोरी। माचिस है का? रही हो। ट्रिगर पर उंगली रखने वाला शूटर नहीं होता, लड़की के साथ घूमने वाला आशिक नहीं होता, और हमको जो समझ सके वो ससुराई दुनिया में पैदा नहीं भवा। अरे वो
पैंट गीली होने की बात कौन किया था? सॉरी भैया, वो कहा है ना, इस वक्त तो हमारी पैंट गीली हो रही है, जज्बात में बह गए थे। अरे हाँ, वो गुंडा वाली बात कौन किया था? अबे गुंडे नहीं हम, बवाल है बवाल। जंगल के शेर को इलाका कभी माफ कर नहीं देते हैं, क्योंकि शेर का इलाका नहीं पूरा का पूरा जंगल होता है। अगर तुमको लगता है कि तुम बैड हो तो हम तुम्हारे डैड है। कमान हमारा ससुरा आ गया। कौनो पीपरी तो बजाओ रे। सब लोग निकला यहां से। अंकल ने तुमका बचा लिया। अरे बकलोलू, हमको बचाने नहीं आए, तो का हमसे बचाने आए। कौन है ये? गरुड़ा को उड़ाने वाला हथियार। ए, तो का यहाँ बुलाया किस लिए और तू कर का रहा है? शतरंज के ही खेल में तुम लोग प्यादे को मामूली समझत रहे, लेकिन आज तुम लोग खुद ही देख लो कि प्यादा बादशाह के सामने खड़ा है। हार पिलान का है रे? गरुड़ा दूसरा रास्ता से ही आएगा, जिस रास्ते बहुत भीड़ भाड़ होगा। जितनी भी नई दुकानें खुली है ना, और आसपास के जितने ग्राहक लोग, और वो सभी लोग जो अभी घर किराए पे लिए हैं, ऑटो वाले, ट्रक वाले, टैक्सी वाले, वो सभी लोग गरुड़ा के पंटर है। हम ओके हुआ नहीं ठोकेंगे। अब कहाँ? DYSS पार्टी ऑफिस के अंदर ही मारेंगे। बकैती कर रहा है वहाँ, चारों तरफ पुलिस होगी। अरे पब्लिक तो पब्लिक, सब मिनिस्टर का भी चेकिंग होगा। गुरु पांडियन जी का ऑर्डर है, सबकी चेकिंग करे पड़ी, छोटे सरकार आवत है। और तू का वहाँ मारेगा? का हमारी भी चेकिंग होगी? अबे सब लोगन की होगी, बस हमरे लिए वहाँ एक तमंचे का इंतजाम हो गया तो मिलेगा, वो भी विदेशी। पुतले का झांसा देकर वो सब गरुड़ा का इंतजार करत रहे। पिताजी तुम लोगन पर बहुत भरोसा करत है, हम उसी भरोसा को जिंदा रखे खातिर यहां आए हैं।
पिताजी बड़ा साम्राज्य खड़ा किए हैं। उससे भी बड़ा साम्राज्य हम खड़ा करूंगा। पुतला तो बने वाला रहा सूर्यवर्धन का, लेकिन आखिरकार वो निकला गरुड़ा का। आपका हीरो हार गवा। अब क्या करेगा आपका हीरो? वापस लौटेगा? घायल शेर की सांसें उकरे दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होंगी। क्या बोल रहे हैं? पन्ना 128। बड़ी मुश्किल से कुछ लाइनें लिखी हैं। तनिक पढ़िए। गेट लॉक कर दिया, सबको तैनात कर दिया ना, कौनों को भी अंदर आने मत देना। तो हमें इतना आसान मौत नहीं देगा, सांप और बिच्छू से कटवा कटवा के मारेगा। ससुरा एक तमंचा अंदर ले जाने के लिए कितनी भेजा पड़ेगी, और उसके आदमी कट्टा लिए खुलेआम घूम रहे थे। हमको तो लगा कि हमने मैदान मार लिया, लेकिन ससुरी पूरी बाजी ही पलट गई। बंबई का पंटर कहाँ है? भीतर है। सोचा था गरुड़ा को मार देंगे और उनका पूरा साम्राज्य को हड़प लेंगे। हम लोगों ने दुनिया पाने की लालच में अपने स्वर्ग को नरक बना दिया है। दुनिया पर उसने हम लोग को छोड़ क्यों दिया? पावर, वो हमें जब चाहे चींटी की तरह मसलते हैं, लेकिन वो दुनिया को अपना पावर दिखाना चाहता है। वो तो बस अपने बाप के मरे का इंतजार कर रहा है। गरुड़ा के टपकावे खातिर हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। अगर वो नहीं मरा तो हमारा मौत तय। मतलब हम वहां जाएंगे, वो जगह पर राक्षस के बीच, नरक में कौन जा सकता है? का ऐसा सोच भी नहीं सकते। एक बार तो छोड़ दिया है, अगली बार वो हमें बख्शेगा नहीं। तो अब वहां जाएगा कौन? एक तरफ डर के मारे जहां पसीना चुअत रहा, दूसरी तरफ वो धूम केतु के जैसे अड़ा खड़ा था। इसके आगे तो पन्ना जला हुआ है। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कौन फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। जिसे मारने के लिए हमें यहां बुलाए हैं, उसे मारे बगैर हम नहीं ना जाएंगे। वो जगह जैसी है, जहां है वो का वहीं जाकर मारेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वनी। बेस्ट ऑफ लक। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये क्या कह रही है माँ? हमें भगवान पे विश्वास नहीं है? हम पर तो विश्वास है ना? इका कभी उतारना नहीं। हेलो हेलो, तुम लोग नक्शा तैयार करो। वहां जाने के बाद हमरा कोई कांटेक्ट नहीं होगा। ई नक्शा में सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन है, बाकी तो का खुद पता लगाना होगा। जब तुम्हारी तैयारी हो जाए तो हमें सिग्नल देना। धमाकेदार, ऊ जगह तक पहुंचे का एक ही रास्ता है। जॉन
नाम का एक आदमी गांव से लोगन का जबरन उठाई के ट्रकों में भरेगा। तुमका बस उन रकमा पहुंचना है। याद रहे वो गांव चारों तरफ से उनका सिपाहियों से घिरा होगा। ऊंटों का पार करना है। रॉकी का कोनो पता चला का? शेट्टी भाई के खातिर गरम चाय लेके आ रहे। पापा, रॉकी कहाँ गवाह है ये? 25 साल से हम उनके लिए काम करता हूँ, फिर भी हमका उनके बारे में प्रति भर नहीं मालूम। अंकल, आप बताएंगे कि हम बकलोली कर हैं? उन लोगों का ठिकाना नरक से भी बदतर है। अंकल, वो रॉकी, इसका आसिक उस नरक से वापस नहीं आने वाला है, ये बात आप बताएंगे या हम ही का बताएं? यहाँ भले ही रॉकी बकरियों के बीच शेर बनता था, लेकिन उन गीदड़ों के बीच वो एक मेमना है। तू उसकी चिंता छोड़ दो चाचा, वो गवाह लौट के ना आएगा। अरे नहीं रे, हमको रॉकी का कोनो चिंता नहीं है। जाने से पहले हमको एक देसी चुरुट पिलाया था, बहुत मजा आया था। कहाँ से खरीदा था बस वही पूछना था। तू अपना झंडा मत हिला, उसके बारे में साहब अच्छे से जानते हैं। उस सबको ट्रैक में डालो। तुमरी ओर आ रहा है। हमरी ओर आए देव, उनका बाहर नहीं जाने देंगे। अबे वो बाहर नहीं जा रहा है, अंदर ही आ रहा है। कहाँ? वो एक बार मन में ठान ले बस, फिर वो रुकता भी नहीं, झुकता भी नहीं। सबकी दुआएं हैं उसके साथ। दुनिया को जीतने की सनक सवार है उस पर। रॉकी आग है आग, और दुश्मन पेट्रोल। दुश्मन जितना ज्यादा हुई है, आग उतनी ज्यादा भड़केगी। धक 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 धक। Thank you.
कौन क्या? कितने लोग थे वो? ससुरा अकेला था। हमका छोड़ दो। लगता है लोगन की आपस में मुठभेड़ हो गई है। इंतजार कर रहे हैं और वो निकल पड़ा, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो किस रास्ते पर जा रहा है और जाके कहां पहुंचे वाला है। वो तो ये भी नहीं जानत रहा कि का अंजाम का होने वाला है। सूर्यवर्धन ऊंचाइयों पे पहुंच गया रहा जहां उनको कोई छू भी नहीं सकत रहा, लेकिन जौन दिनों गिरा उनके वारिसों की आवाज बुलंद होने लगी। बहुत मेहनत से तुम ये साम्राज्य खड़ा किए हो। उनको चुनना रहा। बोल, तोरे बाद कौन बैठेगा गद्दी पे, बेटा करुणा या भाई अधीरा? अधीरा जी भैया, अब हमारे साम्राज्य में बहुत गद्दारी और चालाकी होने लगी है, लेकिन हमका तुम पर बहुत भरोसा है। जैसे तूने बिना लालच के हमरा साथ दिया, वैसे ही करुणा का साथ देना। भैया की बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। जब तक हमारा भतीजा करुणा जिंदा है, हम ही कत्ती की तरफ देखेंगे भी नहीं। सूर्यवर्धन के ही फैसले ने पूरे साम्राज्य की नींव हिला के रख दी। अधीरा ने गरुड़ा पर हमला करवाया पर निशाना चूक गवा, लेकिन जब गरुड़ा ने अधीरा पर हमला करवाया तो ससुरा जी बोल गया। गरुड़ा पूरा साम्राज्य अपने मुट्ठी में लेके उको अपने अनुसार चलाए लगा। वो ये अच्छे से जानत रहा कि ओके अपने लोगन की निगाहें केजीएफ पे लगी हुई है। ओकरे बावजूद भी उसने कसम खाई कि जब तक ओकर बाप जिंदा है वो चुप रही और ओकरे बाद वो लोगन की जिंदगी का चिराग बुझा दे। साम्राज्य को सुरक्षित रखने की खातिर बहुत कड़े इंतजाम किए रहा। एक 600 फीट ऊंची दीवार, एक मजबूत दरवाजा, एकदम लोहा लाड, और सब पे ध्यान रखने की खातिर एक निर्दयी सेनापति वानरम। एक मर्द और 15 औरतें, कुल मिलाई के 216 लोग हैं। इस साल का 41वां ग्रुप है ये, काम पर लगा दो। सूर्यवर्धन कई लोगों का खून बहाए के ही गढ़ का निर्माण किए रहा। बस वो एक ही बात के लिए सावधान रहता था कि यहाँ कोनो ऐसा कदम ना पड़े जो कृष साम्राज्य को उजाड़ के रख दे। सूर्यवर्धन ही जगह को नाराची नाम दिए रहा। नाराची का अर्थ सोनार का कांटा। इस कांटे के एक तरफ वो चाणक्य की नीति इस्तेमाल करत रहा और दूसरी तरफ लोगों को भयभीत करके संतुलन बनाए रखा था।
यहाँ से निजात कब मिली चाचा? हम बेलरोगन से 20 साल से यही पूछ रहे हैं। पट्टी करा के भर पेट भोजन करावा। पल भर में शैतान बन जाता है और पल भर में इंसानियत दिखाता है। हमारा भाई संकी है। इंसानियत? तू अभी अभी लंदन से आए हो ना, धीरे धीरे सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जानते हो तीनों कौन है? ई गरुड़ा को मारे आए रहे और गरुड़ा इनकी सेवा कर रहा है। वो कहा है कि ई बार काली माँ के लिए बकरे नहीं मंगवाए। का मतलब? सब लोग यहाँ नए आए हो, अब तुम लोगों को अपना आंसू पोंछने का भी वक्त नहीं मिलेगा। यहाँ रोने धोने से तुम लोगों की तकदीर नहीं बदलने वाली। कल भरती भाई ना, नई फिल्म आई का? कौन नई फिल्म आई का? जानते नहीं का? जानते नहीं का? निकलो, निकलो। जानत हो यहाँ क्यों आए हो? खुदाई करे खाते। चौबीस घंटे में से 18 घंटा काम करना पड़ेगा। गार्ड से नजर मिलाने की जरूरत कौन उठा कर रहा, वरना वो तुम्हारी आंखें निकाल कर चील कौओं को खिला देंगे। फिट का गहराई में काम करें कपड़ी। पहले दिन कलेजे में कपकपी होगा। बाहरी दुनिया को भूले कपड़ी। करत रहे मजदूर थे तो
तुम्हारे हाथ के घाव बता रहे हैं कि तुम काम का करते थे। जितना जल्दी यहाँ के रीति रिवाज समझ लोगे उतना फायदे में रहोगे। परसों जब 41वां ग्रुप यहाँ आया था वो ग्रुप का जॉन के साथ कुछ हादसा हुआ था। क्या हादसा हुआ था डिटेल में बता। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा तो होता रहा था। पता नहीं ससुरा इस बार क्या हुई कवा कि सब के सब मर गए। उनमें से कोनो जिंदा बचा के नहीं। हम पहुंचे तब एक ही जिंदा था। कुछ उल्टी किया वो मरते मरते बोला कि बस अकेला था पर हमें कुछ समझ में नहीं आया। अकेला मनोरम सर सर वो अकेला था। खेल तो हम खेल रहे हैं पर हम लोगों के पास प्यादा एक है। दरवाजे पे गार्ड, माइनिंग पर गार्ड, निगरानी करे वाले टावर पे गार्ड और हाँ एंट्री पर गार्ड। गरुड़ा का गार्ड तो रब्बा बोलेगा। सॉरी बिल्कुल भी चिंता नहीं, यहाँ सिक्योरिटी फुल टाइट है। टाइट सिक्योरिटी के बावजूद उकाऊ सफेद लाइन पार करके टावर के नीचे बने सुरंग के भीतर घुसकर गरुड़ा को मारे पड़ी। हमने उका सिर्फ आधा नक्शा दिया है। अब कौन से टावर के नीचे बने सुरंग से घर में घुसना है ये उका पता लगाना। वो कैसे पता लगाई? मेंटेनेंस रूम, वहाँ उका पूरा नाराजगी का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बिना पूछताछ के वहाँ कोई नहीं घुस सकता। ए, रुका रे। क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है तो फिर कैसे जाए? अब इस जुर्म का रेगिस्तान में बहुत बेगुनाह लोगों का खून बहने वाला है। सुने में आया बकरे की जगह तीन लोगों के बलि दे हैं। यहाँ करंट जाने के बाद तो चारों तरफ से गार्ड आ जाते हैं। पता नहीं कभी कभार यहाँ कहाँ हो जाता है। ससुरा वाकई काम ही नहीं करता। रॉकी उन मजदूरन में ऐसा खुल मिल गवा रहा कि कौनो उसके ऊपर शक नहीं कर सकता था। 20,000 मजदूरन के बीच में 400 गार्ड पहरा देते रहे। तो कहा है ना उन लोगों के कानून बहुत सख्त रहे। एक दिन हुआ ऐसी घटना घटी कि रॉकी उन लोगों की कहानियों का हिस्सा बन गवा। पता चली कि ये अंधा है उसी दिन ईका भी दफनाना पड़ेगा। अगर उनके पता चला कि काम करने की शक्ति नहीं है तो खत्म। अब
बाबू ससुर का नाती आई। इसका नाम है रुका। को पिंजरे में डाला है। हियां ना स्वर्ग है ना नरक। ऐसा लगता है जैसे हियां खुदा नाम की कोनो चीज ही नहीं है। हियां का तो सिर्फ एक के खुदा है, गरुड़ा। भावना नाम की चीज का यहां कोनो मोल नहीं है। अब वक्त आ गवा है शतरंज के बादशाह को मात देने का। गरुड़ा ही बात से अनजान रहा क्यों का तख्ता पलटे वाला नराची में आएगा वहां। इन लोगन में बहुत हिम्मत आ गया है। आपको पता है का सफेद लाइन पार करने का जुर्रत किए। आज उनको भूखा मरे दो। उनको खाना नहीं दिया। ऐसी जिंदगी से तो मौतें भली। सुनो, केशव का बुलाओ। उनकी कहानी सुन के शायद बच्चे भूख से बिलखना बंद कर दें। वो जगह जहां लोग जीने की आस छोड़ दिए रहे, हुआ एक पागल उन लोगन में जीने की जोत जला रहा था। एक के कहानी सुन सुन के माथा ठनक गया है। कौनो नई कहानी सुनाओ। कितना फिल्म देखा है, रोज एक ही कहानी सुनाता है। हम तुम लोगों को एक जंगल का कहानी सुनाता है, एक शूरवीर का कहानी। जल्दी सुनावा। पहाड़ी पर माता का मंदिर था, जिसके नीचे खूब घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच में एक बहुत सुंदर गांव था, जिसमें शांति ब्याह कराई रही। तो का सुंदर सा लड़का हो। ए दादी, लड़का का है? हमके लड़की चाहिए, फिर से आशीर्वाद दो। लड़की ही होगी रे। एक दिन जंगल में जुल्म का पहाड़ टूटा और उनकी तबाही चारों ओर फैल गई। तो हर्षव कौन सी? रात की। और हमने सुबह की है। आप कुछ करते हैं? उन लोगों से कुछ ना पूछो, पता है ना कितने जाली में। अब तो हर देखभाल कौन करे? वो जंगल आग के शोलों में लिपट गया। तो के बेटा ही पैदा होगा है, कोनो बताए नहीं का ये जगह नरक है। यहाँ किसी को बेटी होती है तो ये लोगों का गला घोट देते हैं। ईश्वर हमारी मदद कर, हमका लड़का ही पैदा हुए। फूल खिले से पहले ही मसल दिए गए। बाबे, तारा राशन हुआ कहाँ रखा है? तमाशा करे खातिर। ए, जाओ रे राशन ले लो जाओ। वहाँ ऐसे जल्लाद थे जो मजबूर गरीबन का खून चूसते थे। मांस नोच नोच के खात रहे वो नरबक्षी। मासूम पंछियों का उजड़ गवा घोसला। उन खुद्दारों की लाशें लेकर पहुंच गए शमशान। कमर टूट गई, सर झुक गवा। भाग्य भी अब छोड़ रहे साथ। अब तो ये भी ना भरोसा कि भगवान देगा हाथ। भगवान देगा हाथ। मगर भाग्य की रेखा तोड़ के, अभिमान का सीना चीर के, उन राक्षसों के छाती के ऊपर तांडव करे खातिर। बहुत पहले एक माँ की कोख में पल रहा था सुल्तान। जो कुछ बानी हम तुहरे से बानी, तू दुनिया मेरी है माँ। जीवन सब कुछ बार पन तोहरा बिन के होना बामा। तुहरे अचरा में ममता के छाया माँ, तू ही बाड़ो धड़कन है माँ। अब आओ ना ही सह जाता।
भी दुनिया में आना, शक्तिशाली बन कर आना ताकि हमारी रक्षा कर सके। दुनिया में जितना भी बेसहारा लोग हैं, उन सब लोगन का मसीहा बन कर आना। अब बर्दाश्त नहीं होता, आ जा बेटा। डर के छुप गए चांद तारे बादलों की होट में। जब वो आया तब वो ज्वालामुखी से पैदा हुई एक ज्वाला। बारिश की बूंदों में लगी हो आ रही से, यम के घर में मृत्युंजय हो जाई से, धनवानों की छाती पर खड़ा हो आई से, विरोधियों के सामने जहरीला तलवार हो जाई से, क्रोध के प्रकोप का वश होकर के ऐसे अपने सवालों का परमात्मा से पूछो तो जैसे, जिनमें हो बिजली की तेजी और रफ्तार, जो भी तीर और तलवार के भी होवे पार। फिर आगे आगे का हुआ? बिटुआ, ई दुनिया में तोका लाकर हमने माँ का फर्ज निभा दिया। अब तोका जुल्म के खिलाफ लड़के हमरा कर्जा उतारना होगा। वो एक कदम भी आगे बढ़ाई तो खुद ही डांट दिया उसको। जब वो आगे बढ़े तो कुदरत भी उनका साथ दे। खुद लिखे दुश्मन को पैरों तले रौंद के चले, जेके दिल में डर का कोनो दामो निशान न हो, जो अत्याचार खत्म करे खातिर इस धरती पर आया हो। जो न डरे तीर से न तलवार से, जो डरे थे सिर्फ परवरदिगार से। चलते हैं, लेकिन वो आगे का नहीं सोचता है, वो हमेशा अंधा चाल चलता है। हम एक और कहानी सुनाते हैं, सुनो। एक दिन एक पब में बहुत फायरिंग हुआ, 20 लोग अपन घर लेके फायरिंग हुआ के पूरा पब का सत्या पीट दिया। ए रंगीलाई का
मॉडल नंबर का है रे? M16 ऑटोमेटिक है। इतना सारा लोग उस पर अटैक काहे किए? एकदम गलत बबुआ, ये लिख मत देना। आपका घर जाना है। 20 लोगों के ऊपर अटैक करने नहीं गए, वो 20 लोगों पर अटैक करे अकेला गवारा। मैं डोर पर इसलिए बैठा था कि कोनो बिना पीटे वहां से भाग ना सके। ओके, पास गन तो एक थी लेकिन निशाने अनेक थे। ए, हम सबके पास गन है, वो तो अकेला है, फिर काय डरना? अरे वो का मालूम है कि हम लोगों की पूरी फौज है, फिर भी वो अकेला आया है, डर नहीं लगेगा का? जिंदगी में थोड़ा डर तो होना चाहिए ना साहब। थोड़ा नहीं पूरा, इतना कि ससुरा एक बार डर भी डर से कांप जाए। जब तक सामने वाले की पतलून आगे से गीली और पीछे से पीली ना हो, मजा ही नहीं आवत है। वो इतना बड़ा गैंगस्टर था। गैंग लेके आवे वाले होते हैं गैंगस्टर, और अकेला आवे वाला होता है क्या होता है? मॉन्स्टर। हम फिर आगे निकल गए का? KGF के अंदर दिन ब दिन साजिशों के काले बादल छा रहे थे। सूर्यवर्धन ही सब जानत रहा। वो कोई भी पता था कि आए वाले वक्त में KGF मां एक बहुत बड़ा तूफान आए वाला है। देसाई साहब, इतना दूर काहे आना पड़ा? मुंह का कांटा अब हलक में आ फंसा है, इसीलिए आवे के पड़ा। इलो, ये सब हमसे देखा नहीं जाता। चाचा तो जा चुके, पिताजी भी चले जाएंगे। का हम दोनों का खून निकलने के बाद ही तुझे शांति मिलेगी? बड़े सरकार का जिंदगी का कौनो भरोसा नहीं। उसके बाद सोचा है हम सब लोगों का क्या होगा? हमारी चिंता तो तुम लोग छोड़ ही दो। हाथ में मछलियां लेके मगरमच्छ पकड़ने चले हो, पर मगरमच्छ को मछलियां नहीं हाथ स्वादिष्ट लगता है। तू ही बूंद खून देखकर तोरा करेजा लरज गया। इससे पहले कि हम खून की नदियां बहाए, दफा हो जा यहां से। नाराजी के चारों ओर गीत मंडरावत है, वो कभी भी झपट्टा मार सकत है। सोचे वाली बात तो कुछ और ही है। हमारे जाने के बाद बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। इनायत खलील मौके के इंतजार में है, एक बार ही आएगा तो वो वापस ना जाए। पता है अब के इलेक्शन में कौन खड़ा हो ही रहा है? रमी का सैन। हम लोग भीड़ जमा करे खातिर भाड़े के टट्टू लाते हैं, वो के नाम से ही लोग सम्मान में खड़े हो जाते हैं। अगर वो सत्ता में आ गई तो वो दोनों मिलकर पूरे साम्राज्य को मिटा सकते हैं। पहले उनका बंदोबस्त करो। जो छोटा बच्चा लोगन की मारता है ये वही है का? ऐसा लगा कोनो धक्का दिया। आग, 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 आग। अबे, लगता है आदमी लोगन कम है, फिर से गिनती करो। 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हो। हम कभी लेके चलो। कहाँ? बाहर। हम जानते हैं। मुंह खोला तो तुखा जान से मार देंगे। हम तुम्हारे पैर पर। मेंटेनेंस रूम में जो हादसा हुआ उसके पीछे जरूर कौनों का हाथ है। लगा कौनों हथौड़ा मारा है। इतना सिक्योरिटी होने के बाद भी कौनों वहां घुसकर नक्शा दिखा है। परसों जो नया ग्रुप आया है उसमें से कोई तो है जो आपको मारना चाहता है। हमका मारना चाहता है? वो भी हिया तुम्हारा बासी खाना से उकता कर कौनों मस्का पाव का लालच में वो कमरा में घुसा हुई। खतरा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बात है का तो वो बैच का सभी मजदूरन को गर्दन से खींच कर हमारे सामने हाजिर करो। हेलो, छोटी सरकार झोपड़पट्टी की तरफ आवत है। ओवर। मेंटेनेंस रूम में जो भी गया था अगर वो खुद बता दिया तो फिर खाली वही मरेगा, नहीं तो सब का सब अपना जान से हाथ धो देगा। बंदूक। का नाम बता दो, तुम सबका जिंदगी बख्श देंगे। लेकिन अभी बच्चा के भी नहीं, 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 ये बचाएगा, ये बचाएगा। सबके
तो दोहरी जिंदगी बख्श देंगे। नहीं, नहीं चाचा। बदला नहीं जा सकता।
बदलने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए। रुक काहे गया रे, हथौड़ा रख। और वो दिन तो आग ही लग गई। इक्कीस बाईस और तो का मिला के 23, गिनती बराबर है ना बचुआ? हाँ।
जुलूस निकाले खातिर।
सरकार गुजर गए। हे प्रभु, दुश्मन बहुत बढ़ गया है, हमको बहुत अटपटी लग रहा है। अब देवी माँ के पूजा के बाद ही सब दुश्मन का निपटारा किया जाएगा। पंडित जी, बोला सरकार, आज ही बलि देवे की तैयारी करा, कल सवेरे तक हम रहा, एक हो दुश्मन चिंता न बची। एक तरफ बनराम को शक हुआ तो उन्हें सिक्योरिटी टाइट कर दी। आज माइनिंग का काम रोककर सब पर निगरानी करो, सफेद लाइन के पास सिक्योरिटी बढ़ाई दियो। और दूसरी तरफ विराट इंतजार करत रहा, छोटे सरकार के कमरे के पास कौन आवे ना पाए। अगर इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी तुम्हारे हीरो ने गरुड़ा को मार भी दिया तो वहाँ से बच के कैसे निकलेगा? वायरलेस की फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर दी है, वहाँ जो भी हो हमको बताना सब कुछ। चलो जल्दी। अब अगर वो ना मार पाया तो? अरे दत्ता, बाकी लोगों का क्या होगा? इतना अर्जेंट में क्यों बुलाए? हम दुड़ा कर भाग कर आए, फोन पर बता देते। पापा, आप बताएंगे कि हम बताएं? वो जगह भले ही नर्क हो, वहाँ के लोग भले ही खूंखार हो, लेकिन हमरा आसिक लौट कर आएगा। ये आप बताएंगे या हम बताएं? डर लगता है, पहले दिन से ही हम सब यहाँ डरते ही आए हैं। जब से नर्क का साम्राज्य यहाँ बना है, तब से गुलाम बनके ही जीते थे, सोचे थे गुलामी में ही मर जाएंगे, पर अब हिम्मत आ गई है। लागत है खुदा है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, जुल्म बढ़ने पर एक मसीहा आता है। आज समझ में आया, यही वो मसीहा है जो हम सबको जुल्म से निजात दिलाएगा। टॉर्च का लाइट चालू कर दिया था, उतना देर में कौनों भी हम लोगों के नजर से बच के भीतर नहीं ना जा सकता। पूरा नाराची में एक ही सुरंग है जो सीधा महल तक जाता है। सुरंग से आना चाहेगा तो उसको महल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। आपकी चेतावनी मिलते ही हम लोगों ने छोटे सरकार के कमरे के बाहर गार्ड बढ़ा दिया और वो पूजा करे खातिर सुरक्षा के साथ ही गए। वो जरूर कहीं छुपा हुआ है। बजावा!
जैसे ही बिजली गवा हम हर तरफ का गार्ड छोटे सरकार के कमरे में लगा दिए। आप चिंता मत करिए, छोटा सरकार के पूजा खत्म होने से पहले हम पूरा महल का तलाशी करवा लेंगे। तीनों कैदियों को बलि देने खातिर लेके आओ। गगरुड़ा मारा गवा। सूर्यवर्धन ने गिद्ध का इशारा दे के लोगों को चौकन्ना किया था। भाई इंडिया से एक न्यूज़ है। अगर कुछ लोग केजीएफ को मिटाने के फिराक में रहे। मैडम केजीएफ में भाई गरुड़ा मार गवा तो कुछ लोग ओका हथियावे में। जब तक हमारा भतीजा गरुड़ा जिंदा है हम ही गद्दी की तरफ देखेंगे भी नहीं। हमरे भैया कह रहे हम खा राजनीति नहीं आती, अब देखो कैसे हम इस साम्राज्य को हड़प लेंगे। लेकिन लोग ये बात से अनजान रहे कि कौन और हुआ धावा बोल चुका था। पावरफुल लोग पावरफुल जगह से ही आते हैं। एंड्रयू जब रॉकी को लॉलीपॉप की तरह बंबई देने का वादा किया तो रॉकी के लिए वह समंदर तालाब से भी छोटा हो गया, क्योंकि जॉन समंदर की रॉकी को तलाश रही वो बंबई नहीं था। गरुड़ा को देखे के बाद ओकरी बत्ती जली कि यही वो आदमी है जो उसी पावरफुल जगह से आया है। यही खातिर मौका मिलने पर भी वो को तुरंत नहीं मारा, छोड़ दी। केजीएफ को हासिल करे के लिए वो को एक सेना की जरूरत रही और रॉकी ने गरुड़ा को सब लोगन के सामने मार दिया। हुआ के लोगन को डर से मुक्त कर दिया था, अब वह सब उसकी सेना बन गए। अरे मुखा देख रहे हो चिथड़ा उड़ा दोस्त का। 400 गार्ड अगर वानरम के इशारे पर मारने के लिए तैयार थे तो 20,000 लोग रॉकी के इशारे पर मर मिटने को भी तैयार रहे। अगर तुम में ये सोचकर हिम्मत आत है कि तुम्हारे पीछे हजारों लोग हैं तो तुम सिर्फ एक जंग जीत पाओगे। अगर तुम उन हजारों लोगों को ये भरोसा दिला दो कि तुम उनके साथ हो तो पूरा दुनिया जीत लोगे।
असली कहानी। इस देश के सबसे बड़े क्रिमिनल के मारे खातिर हम डेथ वारंट जारी करते हैं। अब शुरू होगी।